कहाँ रह गई मान? कॉफी लेने के लिए गई थी। मेरे ख्याल है मैं खुद देख रहा था। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई वाह, नो वे, थैंक यू। इसे कहते हैं दिल से दिल को रहा होना। आई स्वेयर इतना मूड हो रहा था कॉफी पीने का, आज मुझे पता चल गया तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। तुम ये जानती हो कि मैं लेट नाइट कॉफी पीता हूँ, है ना? इसलिए तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई। और एक वो माँ है, उसको कुछ ख्याल ही नहीं है मेरा। ये कॉफी मैंने तुम्हारे लिए नहीं, फखर के लिए बनाई है। फखर? इस पे कहाँ लिखा है फखर? मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ अमर, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम ये चीप और नफसियाती हरकतें करके मेरा घर खराब कर दोगे तो भूल है तुम्हारी बहुत बड़ी। कहाँ रह गई मान? कॉफी लेने के लिए गई थी। मेरे ख्याल है मैं खुद देख रहा था। ये मेरा घर है और यहां अपनी जगह मैंने खुलूस, मोहब्बत और सच्चाई को बुनियाद बनाकर हासिल की है। तू अपनी मक्कारी से इसे मुझसे छीन नहीं सकता। हाउ स्वीट, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इस खुशफहमी को क्या नाम दूं। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सस्ती और बेकार चीज क्या है? तुम्हारा ये खुलूस और मोहब्बत। कोई कौड़ियों के दाम में भी नहीं लेता इसे। और ये तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुमने भी तो मेरे खुलूस और मोहब्बत का यही मोल तो लगाया था, याद है? याद, बहुत अच्छी तरह याद। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरी तरफ ये प्यार या खुलूस की वजह से नहीं आए थे, बल्कि तुमने मुझे भी उन लड़कियों जैसा समझा था जिन तुम टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते हो और फिर डस्टबिन में फेंक देते हो। और मेरी एक और बात, अहमद, ईमान, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फखर के लिए कॉफी लेकर जा रही थी और अहमर ने और मैंने ईमान से कॉफी पीने की फरमाइश कर दी और ईमान ने अपना कप मुझे दे दिया। एक्चुअली आंटी, मुझे रात को लेट कॉफी पीने की आदत है, देर तक जागता हूँ इसलिए। बेटा, अगर तुमने कॉफी पीनी थी तो माँ से कह देते या मुझे कह देते, मैं आपदा से कह देती। ओह, आई एम सो सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि मुझे ईमान को इस वक्त कॉफी के लिए बोलना नहीं चाहिए था। ये फखर भाई के लिए बना रही थी तो मैंने कहा मेरे लिए भी बना देगी। आई एम रियली सॉरी अगर ये आउट ऑफ प्लेस लगा और आपको गलत लगा तो। ये आप पिए फखर भाई कॉफ़ी? अरे कैसी बातें कह रहे हो यार, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बिला झिझक मांग लिया करो, कोई मसला नहीं है। फील लाइक होम। थैंक यू फखर भाई। थैंक यू ईमान। मैंने तो यूं ही कह दिया था, शायद अहमद को बुरा लग गया। अरे नहीं, अच्छा लड़का है, छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करता। आप सोचे, रात काफी हो गई। ईमान जी, और सब्सक्राइब करें AOI डिजिटल का यूट्यूब चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।